नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल होगा फाइनल। दिल्ली में कल सीईसी की मीटिंग। मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का पैनल आज फाइनल हो जाएगा। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार शाम 6 बजे से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। एमपी बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी कर संभावित दावेदारों के नाम खोजने के निर्देश मिले थे। इसके बाद रविवार देर रात वर्चुअल मीटिंग हुई और मध्य प्रदेश के एक मंत्री के साथ बीजेपी के एक प्रदेश पदाधिकारी को एक एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी करने को कहा गया। अधिकांश सीटों पर रायशुमारी हो चुकी है, बाकी सीटों पर आज दोपहर तक रायशुमारी हो जाएगी। आज सुबह 10 बजे से एमपी के विधायकों और सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। 11 बजे लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे और कमेटी की बैठक होगी। हर पदाधिकारी से लिखित में पूछे 3 दावेदारों के नाम सोमवार को हुई रायशुमारी के दौरान प्रदेश से भेजे गए। नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित अपेक्षित कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिखकर मांगे गए। इसमें खुद का नाम जोड़कर अन्य किसी का नाम लिखना था। आज इन सभी नामों का पर्चियां निकालकर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। कल दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति से तैयार किए गए उम्मीदवारों के नामों के पैनल को रखा जाएगा। संभावना है कि इसी बैठक में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। एमपी में 21 सीटों पर बीजेपी बदल सकती है चेहरे। वर्तमान में एमपी की 29 सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों की टिकट बदल सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद विधानसभा के चुनाव जीते थे और 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।